हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने पूर्व कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने का स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है और बड़े बड़े नेता इससे किनारा कर रहे हैं। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि बिश्नोई के चले जाने से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी पार्टी से 10 कार्यकर्ता भी चले जाएं तो नुकसान होता है, फिर कुलदीप बिश्नोई का तो अपने हलके में अच्छा प्रभाव है। रणजीत चौटाला सिरसा में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा में 60 लाख घरों में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। सिर्फ सिरसा में ही इसके लिए 1 लाख से ज्यादा झंडे बांटे जाएंगे। कांग्रेस भी एक बीता हुआ इतिहास हुआ, कांग्रेस पार्टी खत्म है। अब कहीं कोई एक आधो का ऑफिस भी डर बैठा है, वो बोलते रहते हैं, उनके पीछे भीड़ नहीं है, उनके कोई सुनने वाला नहीं। जैसे शैलजा थी, अशोक तंवर थे, ऐसे ऐसे लोगों की पार्टी बन गई जिनका कोई जनाधार नहीं है। देखिए, अगर 10 वर्कर भी निकलते हैं तो पार्टी को नुकसान होता है। जब इतने आदमी निकले हैं तो नुकसान जरूर होगा। देखिए, उनका अपना कुछ एरिया में उनका अपना प्रभाव है। एक बार उनके 6 MLA भी बन के आए थे, वो बजला जी के बेटे, असर तो आएगा। बता दें कि रणजीत चौटाला के मुताबिक प्रदेश की जेलों में भी तिरंगा फहराया जाएगा। हरियाणा की जेलों में बंद कैदी तिरंगा झंडा बनाएंगे। साथ ही सिरसा, हिसार और रोहतक की जेलों में तिरंगा बनाने के लिए कैदियों को निर्देश दिए गए हैं। तीनों जिलों की जेलों में करीब 75,000 झंडे तैयार किए जाएंगे। बहरहाल, सरकार प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए 20 से 25 रुपए में डाकघरों और राशन डिपो के जरिए तिरंगे झंडे मामूली कीमत पर बेच रही है, ताकि 13 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा झंडा फहराया जा सके। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।